हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश सैनी और मैं एसएससी सीजीएल से एएसओ इन सीएसएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आपको पता होगा कि ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और डब्ल्यू जो एक पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की जो गजेटेड पोस्ट है, उसके बाद 4600 ग्रेड पे ही एक हाईएस्ट ग्रेड पे है एसएससी सीजीएल से, तो उस पर मैं पोस्टेड हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मैं एक वीडियो लाऊँ, एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊँ, जिसमें मैं आपको आगे आने वाले एक साल तक आप किस तरीके से पढ़कर एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्शन ले सकते हैं, उसकी एक स्ट्रेटेजी बताऊं। क्योंकि मैंने देखो एसएससी सीजीएल के अलावा और भी कई जॉब्स में सिलेक्शन लिया है। इवन मैं एक दो साल से, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि मैं पिछले 2 साल से एसएससी सीजीएल में गाइडेंस दे रहा हूँ। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे ही ये वीडियो, जिसमें मैंने नोटबुक पे आपको लिख के पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, पूरा प्लान बताया है किस तरीके से आपको पढ़ सकते हो, बुक्स लिस्ट हो, चाहे किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, चाहे आपका टाइम टेबल हो या मॉक टेस्ट के बारे में स्ट्रेटेजी हो, सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मेहनत को, क्योंकि घंटों की मेहनत लगी इस एक वीडियो के पीछे, आप एक बस इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जितने वीडियो आए वो आपको मिलते रहें। तो ये जरूर काम करना, इस मेहनत को थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट रखो, ठीक है? और वीडियो अंत तक जरूर देखना, एक नोटबुक लेके रखना और पेन लेके रखना और पूरा नोट डाउन करते चलना, ठीक है? तो एक लास्ट में कमेंट आपका जरूर आना चाहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते तो हैं। सबसे वीडियो पहले आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए? तो प्री का जो आपका टारगेट स्कोर है वो 160 प्लस का रहना चाहिए और मेंस में 330 प्लस का रहना चाहिए। अगर एक अच्छी पोस्ट चाहिए ना सीजीएल से, कि मुझे 4600 ग्रेड पे की सबसे हाईएस्ट सैलरी की अपनी होम स्टेट के आसपास पोस्टिंग चाहिए, तो आपको इतना स्कोर टारगेट करना है कि मेंस में आप लेके आओ। अब आप पूछोगे भाई एक्सपेक्टेड मंथ क्या है एग्जाम का, तो ये मान के चलो अप्रैल मई 2025। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से सीजन चलती है, एसएससी क्या सोचता है, डिपार्टमेंट वाले वैकेंसीज का भी रिपोर्ट करते हैं। बाकी ये मान के चलो अप्रैल को आप टारगेट लेके चलो कि अप्रैल या मई 2025 तक मुझे अपना सिलेबस, अपना रिविजन, अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि मैं सीजीएल को क्रैक कर पाऊँ या सीएचएसएल को क्रैक कर पाऊँ, ठीक है? तो ये आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए, उसके बारे में बात की। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे कि सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सीजीएल एग्जाम जो है वो टीयर वन और टीयर टू दो टीयर के रूप में होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीयर वन एग्जाम के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो सीरियसली सुनिए, अंत तक सुनिए और एक एक चीज को नोट करते चलिए। ये चीजें भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीन शॉट लेंगे अल्टीमेटली, स्क्रीन शॉट एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेंगे और फिर डिलीट हो जाएंगे, कभी ना कभी मिलेगा नहीं आपको। तो एक पेज लीजिए दो और उन पे जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करते चलिए, ताकि आपको आगे हमेशा हेल्प करे। और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि जितने भी लोग 12th ग्रेजुएट हुए हैं सबको इस वीडियो की नीड है, सबको जानना है कि किस तरीके से आगे पढ़ सकते हैं। एक अच्छी डायरेक्शन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी एंड एक सिलेक्टेड बंदा आपको बता रहा है, तो इसका मतलब मैं सही तरीके से ही आपको बताऊंगा, सारी जेन्यून चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए कई सारे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अब देखिए टीयर वन में देखें तो 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आप जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, क्वांट की बात करें या इंग्लिश की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के। तो ऑलमोस्ट हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से मैंने आपको बताया 160 प्लस आपको टारगेट करना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो 160 प्लस हम टारगेट करेंगे, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए, 160 प्लस हमारा टारगेट स्कोर रहेगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं टीयर टू की। ये आपके पास क्वालिफाइंग है, इसमें जैसे कट ऑफ जाती है आप देखते होंगे 140-150 कट ऑफ जाती है, इसके बीच में कट ऑफ रहती है, आजकल हाई कट ऑफ जाने लग गई है। तो 140-150 जो कट ऑफ जाती है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पे जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो जित मान लो कोई शिफ्ट ईजी आई है, कोई हार्ड आई है, तो उन दोनों को एक समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ईजी शिफ्ट वालों का मार्क्स थोड़ा घट जाता है और हार्ड वालों का थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस तरीके से उसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और वो जो बढ़ा हुआ स्कोर है उसकी कट ऑफ जाती है 140-150 के बीच में, ठीक है? अब हम बात करते हैं टीयर टू एग्जाम। देखिए टीयर टू एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन वन होता है और सेक्शन टू होता है, दो सेक्शन में डिवाइड होता है टीयर टू एग्जाम। सेक्शन वन जो होता है उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के आते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ तो 90-90-180 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर होता है मेंस का, सेक्शन वन का, ठीक है? अभी सेक्शन टू बाकी है, ये सेक्शन वन है। तो इनकी वेटेज अगर आप देखोगे तो वो भी मैंने लिख दी है कि मैथ्स की वेटेज मेंस में कितनी है, 23%, रीजनिंग की भी वेटेज 23% है। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं सेक्शन टू पे। अब देखो जो सेक्शन टू होता है उसमें आता है इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है इंग्लिश की है, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं
और जीके के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी आपको एक घंटा मिलता है। जैसा मैंने सेक्शन वन में बताया कि आपको एक घंटा मिलता है, 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 30 रीजनिंग के, 30 मैथ्स के, उसी तरीके से यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन करने होते हैं, एक घंटा मिलता है। और सबसे ज्यादा वेटेज आपको मेंस में दिखेगी तो वो इंग्लिश की दिखेगी, कितनी है, 35%। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए भाई आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश की ही है। और देखो टाइम की यहाँ पे कोई कमी रहती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में कम टाइम में ट्यूशन हो जाते हैं और जीके में भी कम टाइम में हो जाते हैं, तो यहाँ 60 मिनट्स इनफ है। बट सेक्शन वन जहाँ रीजनिंग एंड मैथ्स है, वहाँ पे आपको टाइम बचा के चलना पड़ेगा, स्पीड बढ़ा के पेपर को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन टू हो गया, और सेक्शन वन और सेक्शन टू के बेस पे आपकी मेंस की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ डिसाइड होती है। बट उसमें एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं होते ना, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसकी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 20-30 की कट ऑफ जाती गई थी अभी पिछले साल, क्योंकि पेपर हार्ड था, या आप कह सकते हो पहली बार कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आप ये मान लो आपका खेल खत्म है, फिर आप चाहे मेंस में 380 स्कोर करो या 350 स्कोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये 60 मार्क्स का है, इसको भी आपको पढ़ना होगा, बट ये केवल मेंस में आता है, तो आप इसको प्री के बाद भी तैयार कर सकते हैं, या जब आपके बेसिक सब्जेक्ट तैयार हो जाए उसके बाद भी आप इसको पढ़ के देन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी उतनी इसकी नीड नहीं है, अभी आपको बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग भी होती है, ठीक है। आपको पता हो कि टाइपिंग भी क्वालिफाइंग नेचर की है, ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, 35 स्पीड अगर आप लेके चलेंगे एवरेज, तो आपका इजीली जो है वो निकल जाएगा टाइपिंग, उतना हार्ड नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी तैयारी भी आप प्री के बाद में कर सकते हैं, प्री एग्जाम के बाद में टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, आपको बेसिक्स नहीं आते, तो आप प्री से एक दो महीना पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं टाइपिंग, ताकि इसमें भी आप क्वालिफाई हो पाएँ, क्योंकि अगर इनमें आप क्वालिफाई नहीं होते तो आपका जो मेंस का स्कोर है सेक्शन वन सेक्शन टू का, वो कोई मायने नहीं रखता है। और जो आपका सिलेक्शन है, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, कहाँ लोकेशन मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, वो डिसाइड होता है सेक्शन वन और सेक्शन टू। ये जो है ना सेक्शन टू और सेक्शन वन जो पहले हमने बात की थी, इनमें कितना स्कोर किया आपने, 390 जो है ना, इस 390 में से आपने कितना हाई स्कोर किया उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम मैंने जैसा आपको कहा 330 आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए मिनिमम, इसके ऊपर हम 340 भी बनाए या 335 बनाए 350 बनाए, वो आपकी रैंक डिसाइड करने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। अब देखो ये दो पेपर भी होते हैं, स्टेटिस्टिक्स और ये इकोनॉमिक्स वाला जनरल स्टडीज़ का। तो ये पेपर आपको देना कंपलसरी नहीं होता है, जो 99% लोग है वो यही मेंस तक का यही पेपर देते हैं, कुछ लोगों जिनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जो JSO और AAO पोस्ट, दो पोस्ट और होती है जो अलग पोस्ट है CGL में, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और आपके अच्छी रैंक आई है, मतलब टीयर वन में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने क्वालिफाई किया इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप इन दोनों का पेपर दे सकते हो। बट ज़्यादातर लोग केवल यहाँ मेंस तक का ही देते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली JSO या AAO पोस्ट की तैयारी करते हो, जिनमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, तो ये आप पेपर आपको देने को मिलते हैं, अगर आपके प्री में आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हो तो। बाकी इसको देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी स्टडी मटेरियल रहना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल रहना चाहिए, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, आपको डिटेल में चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ताकि जो भी बिगिनर बनता है, जो भी 12th किया है, ग्रेजुएट किया है, वो चीज़ों को समझ पाए कि किस तरीके से CGL में सिलेक्शन लिया जाता है, किस तरीके से इसमें चीज़ें होती है, क्या होता है, एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो कि जो मैंने बात की टीयर वन की, जो टीयर वन है वो क्वालिफाइंग है, और जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है केवल मेंस के स्कोर के बेस पे। अब बात करते हैं फ्री सोर्सेस ऑफ कंप्लीट स्टडी, है ना, कहाँ से आप कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं कि फ्री सोर्सेस क्या है, जो यूट्यूब टीचर्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका नीचे लिख दिया है कि फ्री सोर्सेस में अगर बात करूँ, तो अगर आप यूट्यूब से सब कुछ फ्री पढ़ना चाहते हो तो आप अभिनय मैथ्स चैनल पर जाइए, विजिट करिए, वहाँ पर अगर आपको अभिनय सर का समझ में आता है तो आप इस टीचर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रखी है इन्होंने यूट्यूब पे, कई बार पढ़ा रखी है। तो मैं आपको ये जो नाम बता रहा हूँ, कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, आप एक बार जाके सर्च करना, अगर आपको समझ में आता है तो आप इन टीचर से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, तो अभिनय मैथ्स चैनल जरूर विजिट कर ले, सारी मैथ्स इन्होंने फ्री में पढ़ा रखी है, समझ में आता है तो नोट्स बनाइए एंड इस टीचर से पढ़ सकते हैं। अमन वशिष्ठ सर ने एक 48 वीडियोज़ की शायद आई थिंक प्लेलिस्ट है, पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं करते पेड कोर्सेज को, तो आप अमन वशिष्ठ सर से यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के, ये मैथ्स के। पीयूष वर्षन सर या अभिषेक सर रीजनिंग, ये आपको यूट्यूब पे रीजनिंग के टॉपिक्स इनसे पढ़ने को मिल जाएंगे, तो रीजनिंग के लिए आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं।
जीके के लिए बात करें तो एक चैनल पे आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, कई सारे चैनल हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो अनअकैडमी अभियान पे जैसे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। साइंस के लिए आप राधिका गुप्ता मैम, ठीक है, राधिका गुप्ता मैम बाय साइंस करके सर्च करेंगे तो साइंस का आपको वहाँ मिल जाएगा कॉन्टेंट। एंड एसएससी परमार करके चैनल है जिसपे भी आपको क्रेश कोर्स के फॉर्मेट में कई सारे रिविजन वीडियोज मिल जाएंगे जिसको आप करके फिर पीवाईक्यू कर सकते हो एंड आप इस तरीके से अपना जीके पढ़ सकते हो। तो जीके के लिए कई सारे मैंने आपको चैनल बताए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए टॉप ट्रेंडिंग जीके भी एक चैनल है जो जीके में काफी फेमस है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको फ्री कंटेंट का समझ में आएगा कि कहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करूँ पेड कोर्सेज की, तो मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ ना पेड कोर्स में, तो आप पवन राव सर का ले सकते हो। ठीक है, पवन राव सर काफी एक्सपर्ट हैं मैथ्स के और काफी नाम है इनका एसएससी में, तो पवन राव सर से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए आप जो है नीतू मैम को या मनवसी सर का भी पेड कोर्स ले सकते हो। ठीक है, या और कई सारे टीचर तरुण ग्रोवर सर का भी काफी नाम सुना है, वो भी आप उनका भी कोर्स ले सकते हो। रानी मैम है, वो भी इंग्लिश के टीचर, पेड कोर्सेस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन इंग्लिश के। रीजनिंग में आपको मुझे पेड कोर्स लेने की नीड है, जीके में भी पेड कोर्स अगर आपको लेना हो तो कैरियर लेवल पे कई सारे टीचर्स हैं जिनका सब्जेक्ट वाइज कोर्स आता है, वो काफी अच्छे कोर्सेस हैं, तो वो आप परचेज कर सकते हो अगर आपको पेड लेने। अदरवाइज मैंने आपको यूट्यूब टीचर्स बता दिए हैं जो फ्री कंटेंट आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखो मैंने एक लाइन लिखी, चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, इतनी मेहनत आपके लिए हुई है, साथ रहो जरूर सिलेक्शन लेंगे। ये मैंने इसलिए लिया क्यों दिखाया, क्यों क्योंकि कई सारे आपको टारगेट वीडियोस, इवन मैं टारगेट चलाता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसमें मैं दो महीना तीन महीने से टारगेट करके आपको डेली टारगेट देता हूं ताकि आपको कंप्लीट करके एक अच्छी गाइडेंस में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए एंड सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाए। इन फ्यूचर मैं जरूर आपके लिए टारगेट से लाऊंगा, एकदम फ्री में मैं सारा चीज आपको अवेलेबल कराता हूं, इवन पीडीएफ भी। तो टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब आते हैं देखो मॉक टेस्ट के बारे में आपको बात बताऊंगा, इससे पहले चलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, इसके बाद में मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी पे भी आऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स में सबसे पहली लाइन तो ये देख लो, आप ध्यान से पढ़ लो इस लाइन को जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है। ये भूल जाओ कि मैथ्स मेरी वीक है या मुझे मैथ्स नहीं आती है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। 10th तक की मैथ्स है, हमने सबने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, वही मैथ्स है। 11th 12th में चाहिए आपकी कॉमर्स रही हो, आर्ट्स रही हो, साइंस रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10th तक की मैथ्स है, सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरी मैथ्स वीक है, ये मेंटेलिटी आपको कभी मैथ्स नहीं सीखने देगी। तो ये चीज़ दिमाग से सबसे पहले निकाल दो कि मेरी मैथ्स वीक है, समझ लोगे, सब कर लोगे और बहुत अच्छे 50 out of 50 ले आओगे। हो सकता है आप आर्ट से हो बट लाते हैं लोग, आप भी ले आओ। ठीक है, तो जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। थिंक कि मैथ्स सीख कर रहूंगा, इंटेंट, डिटर्मिनेशन, स्टूबोननेस, ये होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपने नोट्स बनाओ, जो मैंने टीचर्स के बारे में आपको बताया अभी, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, पेड कोर्सेस ले सकते हैं, पौधराव सर का, अभिनय सर से यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, मैंने बात की अभी, तो उससे आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी यही दिक्कत होती है कि वो एक सेम टॉपिक्स को, सेम सिलेबस को तीन तीन टीचर के साथ कर रहे होते हैं और जब आगे जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, एक दो बार एक दो अटेम्प्ट में, तब एहसास होता है कि काश मैं बात मान लिया होता एसएससी ऑलराउंडर की। तो आई डोंट वांट कि आपको रिजेक्शन देखना पड़े, तो ध्यान रखना ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस के बेस पर लिख रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया लोगों को सिलेक्शन से रिजेक्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक ही टीचर पे स्टिक रहना है, रोज़ रोज़ टीचर वगैरह नहीं बदलने, इससे सिलेक्शन कभी नहीं होगा कभी भी। रिवाइज योर मैथ्स नोट्स ऑन डेली, वीकली, मंथली बेसिस। ध्यान रखना जो भी आप आज जैसे आपने क्लास ली है, तो जब नेक्स्ट डे आप नई क्लास ले रहे हो उससे पहले आज जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, फिर वीक में जो पूरा पढ़ा है वो आप रिवाइज करो, फिर मंथली बेसिस पे भी आपको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन का कोई चांस सोचना मत कि सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 99% जो लोग आप कहते हो ना कि देखो सर वो भी तो 5-5 साल से बैठे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कभी रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया, उनको सिलेबस करना है बस। आज परसेंटेज पढ़ा है, 15 दिन में परसेंटेज कंप्लीट किया, फिर परसेंटेज वापस देखा 4 महीने बाद जब मेरे अलजेब्रा हो गए, ट्रिगोनोमेट्री हो गए, भाई फिर कैसे सिलेक्शन होगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको टाइमली बेसिस पे रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी पढ़ा है उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन का जरूर ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई स्ट्रेटजी ये है, ये ध्यान रखना जरूर। ठीक है, अब आगे देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं पीवाईक्यू बुक्स या ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीटेड। तो जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, आपके जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गए उनकी मिक्स प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे मान लो परसेंटेज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप उसके क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, रोज आप 30-30 क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ना शुरू किया है, वो भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, तो आपने क्या किया, परसेंटेज के 30-30 लगा ही रहे थे, प्लस साथ में आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी लगाने शुरू कर दिए। फिर जब आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए तो आप 4 टॉपिकों के 15-15 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जैसे भी टॉपिक कंप्लीट होते जाएं उनकी मिक्स प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि इससे आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो आपने प्रीवियस में टॉपिक पढ़े हैं ना उनको आप भूले नहीं हो, वो आपके साथ है, कभी भी उनसे वो डिस्कनेक्शन नहीं होगा। तो फिर आपको कभी भी है ना वो डिमोडलाइज नहीं होगा कि यार मेरी मैथ्स वीक है, कैसे करूँगा, कैसे स्कोर होगा। तो ये चीज़ें मैं जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना, इस 4 पॉइंट में सब कुछ है जो आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएंगे। रिविजन का ध्यान रखना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी मिक्स प्रैक्टिस, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं वो मिक्स प्रैक्टिस करो, नोट्स सही से अपने खुद के बनाओ, टीचर बार बार मत बदलो, ये 4 पॉइंट में पूरा मैथ्स आपके हाथों में होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है,
अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बात करूँ तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 चाहिए होगी आपको, ग्रामर के लिए मस्ट रीड है, होनी ही होनी चाहिए आपके पास। ब्लैक बुक आपके पास वोकैब के लिए होनी चाहिए, या कोई भी बुक आपके पास अगर पहले से है, लाइक मान लो आपके पास न्यून की है या किसी भी और पब्लिकेशन की वोकैब की बुक है, तो ठीक है आप उससे भी वोकैब कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ब्लैक बुक ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं PYQ बुक जो है वो किरण या पिनेकल किसी पब्लिकेशन की एक PYQ बुक ले आइए। लेटर ऑन मिरर और कॉमन एरर बुक आपको लानी है, बट अभी नहीं लानी, जब आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली बुक आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, उसके पीछे जो हर टॉपिक के पीछे 50-50 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लें, एंड आपको लगता है कि मैंने बहुत बार ये बुक पढ़ ली है, फिर आपको जाना है इस मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक पे, जिसमें कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे और वो आपको पूरी ग्रामर को अच्छा करेंगे अल्टीमेटली। तो ये आपको बुक बाद में लानी है जब आपका ये वाली बुक काफ़ी अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से पढ़ना है, डेली रूटीन किस तरीके से रहना चाहिए इंग्लिश को पढ़ने, ठीक है। तो देखो आपको स्टार्ट करना है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को पढ़ना, ठीक है। और अगर लगता है कि मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जैसे मैंने अभी बताया था अमर बशीर सर की, वो टॉपिक पढ़ लो, या पेड कोर्स ले रखा है उससे वो टॉपिक पढ़ लो, और फिर उस बुक को जो टॉपिक है कंसर्न टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको डेली जो है वोकैब को भी साथ में रखना है, ध्यान रखना वोकैब को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको सच बात बता रहा हूँ एक वीडियो है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, वो आप देख लेंगे तो आपको वोकैब का संकट खत्म हो जाएगा, किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से याद होता है, भूल जाएं तो क्या करें, उसका जवाब आपको आगे मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है डेली 10 PQRS, 1-2 क्लोज टेस्ट और 1 पैसेज को, ये कॉम्प्रिहेंशन को लिए मैंने टारगेट बनाया है, ठीक है। ये चीज़ें है ना मैं मतलब मैंने कहना प्रैक्टिकल कर लिया है, काफ़ी लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ CGL 23 CGL 22 में, तो उन लोगों से मैंने रिजल्ट निकलवाया है कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और डेली अगर आप 10 PQRS, 1-2 क्लोज टेस्ट और 1 पैसेज सोल्व करते हो 3-4-5 महीने, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो कभी भी गलत नहीं होगा, मतलब लाइक गलत होगा बट जैसे मान लो 10 PQRS के क्वेश्चन आए हैं तो आप 9 सही कर दोगे, 8 सही कर दोगे, 1-2 तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे उस पे बेस पे वो 1-2 भी नहीं छूटेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है कॉम्प्रिहेंशन में, अभी से प्रीवियस ईयर वाली बुक में मिल जाएंगे आपको तीनों टॉपिक, ये आपको करते रहना है। और वोकैब को डेली आप थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करो, इसका एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो अभी जैसा मैंने कहा बताऊंगा आपको, और ये आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सब पढ़ो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, टॉपिक समझ में ना आए अमन बशीर सर से या अपने टीचर से समझो, एंड देन उसके बाद वापस इस बुक से इस टॉपिक को कंप्लीट करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वोकैब कैसे पढ़नी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर डिटेल में समझना है कि किस तरीके से वोकैब पढ़नी है, किस तरीके से याद होती है, किस तरीके से 90 डेज में आप वोकैब को कंप्लीट कर सकते हो, अब क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है तो इसको 90 को मैं 150 या 180 डेज भी करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जो आप वीडियो सुनेंगे ना, ये वाला वीडियो, इस वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरीके से वोकैब को पढ़ना है, उसको चैलेंज के रूप में लेना, और उसको 90 डेज के बजाय आप 180 डेज या 180 डेज का टारगेट ले लेना कि मुझे 180 डेज में कंप्लीट करनी है, एंड इस वीडियो को सुनने के बाद आपका सारा जो दिमाग में कचरा भरा है ना कि वोकैब याद नहीं होती या वोकैब को कैसे समझूं कैसे याद करूं, वो सारा अलग हो जाएगा। 70,000 लोगों ने इसको पसंद किया है, आपको भी पसंद आएगा, जाके जरूर देखना 90 डेज वोकैब चैलेंज बाय SSC ऑलराउंडर करके सर्च करना, ठीक है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले दिन जैसे आपने 50 वोकैब पढ़ी है, अब दूसरे दिन क्या करो, उन 50 का रिवीजन करो और नेक्स्ट 40-50 और वोकैब के वर्ड्स पढ़ लो, लाइक आप सिनोनियम पढ़ रहे हो या वन वर्ड पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, ठीक है। फिर थर्ड डे में जाया तो मैंने पहले दिन 50 पढ़े थे, दूसरे दिन 40 पढ़े थे, तो 90 का रिवीजन करूंगा, फिर चाहे मैं नया 30 ही पढ़ूं बट मैं पहले 90 को रिवाइज करके फिर नया 30 पढ़ूंगा, ये मुझे ध्यान में रखना है। इस तरीके से वोकैब को पढ़ूंगा तो ही मुझे वोकैब याद रहेगी, अगर इसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ये वीडियो आपको देखना है। तो ये आपको इंग्लिश में सब चीज़ें समझ में आई होगी, कोई डाउट रहता है ना कमेंट सेक्शन पूरा ओपन आपके लिए, हर एक चीज़ के लिए ओपन है, मैं एक वीडियो और बना दूंगा उस पर जितने भी डाउट रहेंगे, बट इस बार आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे, है ना, ये होना चाहिए कि हाँ हमने SSC ऑलराउंडर एक चैनल पर था उस पर एक वीडियो सुनी थी एंड उस पर हमारे सारे डाउट दूर हुए। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताना, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। तो ये आपको समझ में आया होगा पढ़ने का तरीका, किस तरीके से वोकैब कंप्लीट करनी है, कॉम्प्रिहेंशन को साथ में लेके चलना है, ग्रामर पढ़नी है और वोकैब को पढ़नी है। अब बात करते हैं एक पॉइंट की कि डोंट फॉरगेट टू रिवाइज थिंग्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं चाहे ग्रामर में पढ़ रहे हैं चाहे वोकैब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें ये मत बोलना कि मुझे रिवाइज करना है, वरना 4-5 साल लाइब्रेरी में घूमते रहोगे, एक जाल बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जैसा मैंने ऊपर मैथ्स के लिए बताया रिविजन इज द की, वहीं मैं कहूँगा इंग्लिश में भी रिविजन इज द की, आप जब तक ग्रामर को रिवाइज नहीं करोगे टाइम बेसिस पे आपको नहीं पल्ले पड़ेगा क्या हुआ है,
तो रिवाइज करना जब किरण पब्लिकेशन, सॉरी जब आपकी ये वाली बुक अच्छी से हो जाए नीतू सिंह वाली, तो आपको फिर ये बुक पीछे भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे अपने YouTube चैनल पे, आप जुड़े रहना, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग के लिए। तो मेरा रीजनिंग के लिए है ना एक शॉर्ट एंड स्वीट प्लान रहता है, 5+2 डेज स्ट्रेटेजी। ये वाली चीज़ है ना, ये बहुत काम आएगी आपके। आप देखोगे कि आपकी रीजनिंग जो है वो 2 से 3 महीने में ही आपको 45 स्कोर, 40 स्कोर, 50 स्कोर देने लगेगी, अगर आप इस 5+2 डेज स्ट्रेटेजी पर रहते हैं। क्या है ये स्ट्रेटेजी, आइए सुनते हैं। कि आपको 5 दिन तो पढ़ने हैं वो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, और बाकी 2 दिन बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो ये जो टॉपिक मैंने लिखे है ना, ये 6 टॉपिक, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज, ये वाले टॉपिक 6 टॉपिक जो है ना वो आपको पढ़ने वीक के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, एंड जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें आपको करना है बाकी टॉपिक्स कंप्लीट। तो अब जैसे मान लो आपको एनालॉजी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं यही नहीं पता, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको ये 5 वीक में 5 दिन ये टॉपिक जो है मतलब 5-5 दिन पढ़ने हैं। अब पहले आप क्लासेस से कंप्लीट करोगे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, मान लिया क्लासेस से करोगे, तो वीक में 5 दिन तो आप इन्हीं को दोगे, इनकी क्लासेस करने में, इनकी प्रैक्टिस करने में, इनको इनकी जब मान लो 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके, तो उसके बाद में डेली आप इनकी मिक्स प्रैक्टिस करोगे, 10-10 क्वेश्चन किया, 5-5 क्वेश्चन किया, जितने भी आप एक दिन में, 1 घंटे में 1.5 घंटे में, क्योंकि इस रीजनिंग के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा ही रखना है। वो लास्ट में मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना चाहिए, बट अभी मैं आपको ये कहूंगा कि वीक में 5 दिन इन 6 टॉपिकों को करना है, चाहे आप क्लासेस कर रहे हो या क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो इन 6 टॉपिक की आपको डेली 5 दिन, और बाकी 2 दिन में आपको डायरेक्शन, रैंकिंग, डाइस, जितने भी बाकी टॉपिक बचते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वो आपके 2 दिन में हो जाएंगे। मतलब 2-2 दिन करके भी आप करोगे तो 2 महीने में आपके सारे रीजनिंग खत्म, और आपका जो स्कोर होगा बहुत अच्छा आने लगेगा, आई गारंटी। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं ना, 5 दिन ये टॉपिक एंड देन 2 दिन बाकी टॉपिक्स को देके कंप्लीट करते हैं सिलेबस को, प्रैक्टिस करते हैं जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए उनकी, तो भाई मान के चलो आप रीजनिंग में 45 स्कोर 2-3 महीने में इजीली करोगे, है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टॉपिक्स प्रैक्टिस डेली 10 क्वेश्चन, ये 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब क्या करें भाई, 5-5 दिन करके तो हमारा जल्दी हो गए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप क्या करो, 10-10 क्वेश्चन या 6-6 क्वेश्चन जितने भी आपके हैं आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो, मिक्स प्रैक्टिस करो इन 6 टॉपिक की 5 दिन, और बाकी 2 दिन में अलग जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो जो बोल रहा हूँ, करो फिर कमाल देखना, 3 से 4 महीने भी मैंने ज़्यादा लिखे हैं, 2.5-3 महीने में आपको सिलेक्शन वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग तो भाई मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के लिए आप फॉलो करें, वही कहूँगा पी वाई की। अब बात करते हैं जो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है जिसमें सबसे स्कोर करना, जिसको पढ़ना, जिसको कंप्लीट करना, किसी का भी मतलब वो पजल होता है कि कैसे करेंगे जीके को, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए जीके की स्ट्रेटेजी देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो आपको कौन सी बुक्स चाहिए जीके की तैयारी के लिए, तो लूसेंट या कोई भी जीके की बुक, किरण पब्लिकेशन की भी आती है या कोई भी पब्लिकेशन की जीके की जो बुक आती है, वैसे आप लूसेंट लेके आएँ और एक पीवाईक्यू बुक रखें, बस 2 बुक आपको काफ़ी है, ये 2 बुक अपने पास रखो। एंड अब क्या कह रहा हूँ मैं, स्टार्ट रीडिंग सब्जेक्ट वाइज, इसका मतलब क्या है, एक बार पॉइंट आप पढ़ोगे ना, स्टार्ट रीडिंग सब्जेक्ट वाइज, इफ़ यू फील यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग देन वॉच अ यूट्यूब लेक्चर एंड जस्ट लिसन। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि भाई आप जीके जो सेक्शन है उसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनको कोई भी जैसे आपने स्टार्ट किया कि मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जीके को पढ़ना है वो बात करेंगे, जैसे अभी हम ऊपर की बातें कर रहे हैं, लास्ट में जो मेरे सजेशंस आएंगे वो बहुत ही कीमती गोल्डन जो सजेशंस आएगी उनको आप लास्ट में सुनेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि पढ़ना स्टार्ट करो, किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ, लाइक आपने हिस्ट्री को उठाया, पॉलिटी को उठाया, उसमें जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आपने यूट्यूब से देख ली, यूट्यूब लेक्चर से देख ली। अब देखो मान लो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इकोनॉमिक्स आती है, तो इकोनॉमिक्स आप यूट्यूब से या किसी भी क्लास से नहीं देखोगे, ठीक है। अगर आपको साइंस मैथ बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, बायो से हो, तो आप साइंस के जो क्लासेस है वो नहीं लोगे कहीं से। अगर आप मान लो किसी और बैकग्राउंड से हो तो आर्ट्स से हो तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखने के नीड नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो, बट आपको साइंस में दिक्कत आएगी तो साइंस की क्लासेस ले सकते हो। तो जहाँ आपको दिक्कत आए वो यूट्यूब से हेल्प ले लो, उसका लेक्चर देख लो, फिर लूसेंट से उसकी रीडिंग कर लो, लूसेंट वाली बुक है जो भी बुक आपके पास है, नोट्स हैं उसे रीडिंग कर लो, एंड फिर आपको आना है पी वाई क्यू वाली बुक पे। आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम हियर रीड योर जीके बुक एंड देन कंप्लीट पी वाई क्यू ऑफ दैट सब्जेक्ट, फिर आओ आप पी वाई क्यू वाली बुक पे और पी वाई क्यू करो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। देखो बुक सबको पता है, इसको पढ़ने का तरीका, इसको कंसिस्टेंटली पढ़ना कैसे है कि मैंने सबसे पहले लूसेंट में टॉपिक पढ़ा, समझ में लिया है, मैंने यूट्यूब से हेल्प ले ली, एंड देन मैंने उस पर्टिकुलर जो जैसे मान लो एंशियंट हिस्ट्री मैंने यूट्यूब से देखी, तो उस पर्टिकुलर को मैंने लूसेंट से वापस एक बार रीड किया, एंड देन मैंने उस पर्टिकुलर पोर्शन के पी वाई क्यू लगा दिए।
जो पीवाई के मुझे नहीं आए, जहां मुझे दिक्कत आई उसको मैंने हाईलाइट कर लिया, ताकि मैं जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज करने आऊं तो मुझे पता रहे कि मुझे कौन सी चीजें में दिक्कत है। हाईलाइटर अपने साथ पूरी तैयारी में रखना, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी दिक्कत आए वो हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है। अब बात करो कि देखो चिंता मत करो, जितने भी जो क्लासेस के लिंक है ना, आप सोच रहे हो कि यार मैं साइंस कहाँ से पढ़ूंगा या ज्योग्राफी या हिस्ट्री कहाँ से पढ़ूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, मैं वहाँ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, एसएससी ऑलराउंडर नाम से सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, एसएससी ऑलराउंडर करके सर्च करना, ठीक है। वहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी शेयर कर दूंगा और लिंक्स भी शेयर कर दूंगा क्लासेस के, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो जीके पोर्शन का, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, डरना नहीं है, जीके भी हो जाएगा, बस जीके में हुआ रहता है कि लोग क्या करते हैं, पढ़ने में आता है जोर, उनको चाहिए कि मैं 15 दिन में बस जीके में स्कोर कर लूँ 35 स्कोर, नहीं आएगा भाई, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, टीचर से अगर समझ में नहीं आया टीचर से पढ़ना पड़ेगा, टीचर से पढ़ के फिर लूसेंट को पढ़ना पड़ेगा, फिर पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, जो नहीं आ रहे उनको हाईलाइट करना पड़ेगा, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जीके अच्छा होगा ना। ऐसे देखो आप सीजीएल ऑफिसर बनने की सोचते हो कि यार मैं ऑफिसर बन जाऊं, और आपको चाहिए कि बस नहीं मैं तो पढ़ाई ऐसी स्कोर आ जाए, तो वो तो होगा नहीं ना। क्या चाहिए एक ऑफिसर के हिसाब से सोचोगे ना, ऑफिसर के थिंकिंग से, यार ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जिसको मेहनत करना आता हो, जिसको स्मार्ट वर्क करना आता हो, जिसको अप्रोच जिसकी ऐसी हो कि यार मैं कैसे भी सिलेक्शन लूंगा, और सिलेक्शन लेने के लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, तो बस ये मेहनत ही है। आपको घर वालों के सपने पूरे करने हैं ना, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और फिर जब चीज़ों में दिक्कत आएगी, सोचो ये चीज़ में दिक्कत नहीं आती तो सभी लोग सिलेक्शन ले लेते। अब अगर इस चीज़ में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आ रही है तो इसमें आगे बढ़ो ना, इसमें अपने आप को स्पेशल बनाओ, स्मार्ट बनाओ कि हाँ यार ये यहाँ बाकी लोगों को दिक्कत आती है, अगर मैं इसको अच्छा कर लूँगा तो मैं स्पेशल बनूंगा बाकी लोगों से, इसका मतलब मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, तो मुझे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं तो वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी ना जो बाकी लोगों से नहीं हो रही है। तो बस यही तो है, जहाँ लोग मात खाते हैं इस पर आप अगर स्पेशल बन जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे ना, बस वही थिंकिंग रखो कि सिलेक्शन के लिए बाकी लोगों को जो नहीं आ रहा वो भी मुझे कंप्लीट करना है, तो जस्ट नीड टू रीड लुसेंट एंड देन कंप्लीट पीवाईक्यू, तो 4 से 5 बार अगर आपने कर लिया ना भाई, मान के चलो जीके का स्कोर आपका 35-40 आ जाएगा, ठीक है। मानता हूँ 20 क्वेश्चन है, उससे ऊपर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते क्योंकि 5 क्वेश्चन इररिलेवेंट आते हैं एसएससी में, आप पीवाईक्यू में से नहीं आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, पता नहीं वो कहाँ से उठा के देंगे, बट 20 क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जीके को पढ़ना है। देखो अगर मैंने जैसे रीजनिंग में आपको कहा 1 से 1.5 घंटा आप डेली दोगे 7 दिन, और उसी तरह मैं जीके में कहूँगा कि आपसे 2 से 3 घंटा जीके को देने हैं, आप 2.5 घंटे भी मान के चलोगे चल जाएगा, उसमें आपको 1.5 घंटा सब्जेक्ट वाइज जीके रीडिंग करनी है, जैसे मैंने अभी बताया था उस स्ट्रेटेजी से, 1/2 घंटा आपको स्टैटिक जीके के लिए देना है, वो स्टैटिक जीके की पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ और शेयर कर दूंगा, फाइल सेक्शन में जाओगे सर्च करोगे मिल जाएगा, तो वहाँ से स्टैटिक जीके नेशनल पार्क्स आप पढ़ोगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे, टेम्पल्स पढ़ोगे, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज पढ़ोगे, सेंसस पढ़ोगे, जनगणना जिसे हम कहते हैं वो पढ़ोगे डेली 1/2 घंटा, आपको कुछ नहीं करना, जो टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक एक ही दिन में कंप्लीट करना है, बस ठीक है आज आपने लाइक टेम्पल्स स्टार्ट किया, आपने 10-15 टेम्पल्स याद किए और आपका 1/2 घंटा हो गया, ठीक है, उन 10-15 टेम्पल्स को अपने एक नोट्स बना लेना, मैं कहूँगा इसमें जो स्टैटिक जीके के नोट्स आप जरूर बना सकते हो, इसमें आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है पूरे जीके में, बट इसमें जरूर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 1/2 घंटा स्टैटिक जीके जो पढ़ रहे हो अपनी कॉपी बनाते रहना, उसमें लिखते रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विटेज है ना एसएससी में जीके में वो स्टैटिक जीके की है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ 1/2 घंटा आप क्या करो करंट जीके को दो, और अदर जो 1/2 घंटा है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो या कोई चीज़ इनमें से बच गई है वो आप कर सकते हो, तो 2.5 घंटे 2 से 2.5 घंटे आप दोगे ना इस तरीके से, 1/2 घंटा स्टैटिक जीके को दोगे, 1.5 घंटा सब्जेक्ट वाइज जीके को दोगे, और 1/2 घंटा करंट जीके को दोगे, तो इस तरीके से आपको जीके डेली करना है। और अगर आप कॉलेज जाते हो या आपको वो दिक्कत है कि यार आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे, काम करते हो जॉब करते हो, तो आप इसको 1.5 घंटे पे भी कर सकते हो, जिसमें 1 घंटा आप सब्जेक्ट वाइज जीके पढ़ोगे और 1/2 घंटा आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप मैनेज करो, मैं आपको एक अप्रोक्स टाइम देके चल रहा हूँ कि अगर आप खाली बैठे हो घर पे तैयारी कर रहे हो सीजीएल की एंड, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने जीके का भी बताया। अब मैं मैथ्स के लिए टाइम बताऊँ तो मैथ्स में आपको 2 से 3 घंटा डेली देना है, इंग्लिश में जैसा मैंने बताया 2 से 3 घंटा इंग्लिश के लिए अगर आप घर पे हो, अदरवाइज आप 2-2 घंटा ईच सब्जेक्ट लेके चलो, बट रीजनिंग में आप अगर 1 घंटा भी देते हो डेली 2 से 3 महीने स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक आपका 130 स्कोर ना आए ना पीवाईक्यू वाले मॉक में, तब तक नया मॉक मत देना। कई लोग क्या करते हैं नया मॉक जाके लगाते हैं, नए अभी बिगिनर है, तैयारी स्टार्ट की 1 महीना हुआ है, और लगाते हैं पहला न्यू मॉक और स्कोर आता है डाउन, फिर लगता है यार मैं 1 महीने में क्या ही पढ़ाऊँ। अरे भाई मत लगाओ, जब तक आपका स्कोर 130 प्लस ना आए ना तब तक न्यू मॉक मत लगाओ,
जब 130 प्लस आने लगे तो आप पीवाई क्यू तो दे ही रहे हो, बीच बीच में कभी कभी नए मॉक भी दो, 150 जब तक स्कोर ना आए तो नए मॉक बीच बीच में देते रहो, मिक्स करते रहो, बट 130 से पहले मत देना, ठीक है। ये मेरे सजेशंस है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी करो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, मस्ट वॉच माई वीडियो ऑन मॉक टेस्ट एनालिसिस। अभी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसमें मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ता है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मॉक टेस्ट में स्कोर रुक जाता है, मॉक टेस्ट का एक कहते हैं ना डीएनए एनालिसिस, वो मैंने किया है। तो उस वीडियो को आप जरूर जाके सुनना, मॉक टेस्ट को जब आप मतलब सिलेबस कर रहे हो तो बीच में जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो तब जाके देखना जरूर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज का, टेलीग्राम चैनल का, वो आप देखेंगे वहां से, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं जब भी आपको दिक्कत है। और एक नोटबुक जरूर बना लेना, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हो मॉक टेस्ट में उसको नोट करने के लिए, जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो उसको नोट करो, क्योंकि वो जो नोटबुक होगी ना वो आपकी सारी वीकनेसेस का बाइबल होगी। तो उस नोटबुक को आप जैसे से मान लो, जैसे आपने 10 मॉक टेस्ट दिए, अब 10 मॉक टेस्ट में जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए या टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यू के मॉक्स थे, और उनमें आपको पता चला कि अच्छा सा मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, अच्छा सा इस क्वेश्चन में इस पैटर्न में दिक्कत आ रही है, तो आपको हमेशा आपकी कमियों का वीकनेस को बताएगी वो कॉपी, उस कॉपी को जैसे जैसे रिवाइज करोगे और बेहतर होते जाओगे, ठीक है। तो रिवाइज करना है इस कॉपी को कई बार, जब जब आपको टाइम मिले, जब जब आपको लग रहे कि आप भूल रहे हो, क्वेश्चंस को गलत हो रहे हैं, इस कॉपी को जो आप बनाओ टेस्ट के लिए उसको रिवाइज करते रहना। अब देखो दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, फिर से रिपीट करूंगा कि यार रिविजन का जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। इस जो ये महाभारत है ना SSC की, इसमें ज़्यादातर लोग यहीं फेल हो रहे हैं। आपको लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि आपका ये डाउट आता है, मैं उन डाउट के ही जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं डाउट ले रहा हूँ। पहला डाउट आपका यही है कि लाइब्रेरी में 4-4 साल 5-5 साल से लोग बैठे हैं, उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, डर लगता है। तो देखो यार ये रिविजन में मतलब आप जब उनसे जाके पूछोगे ना या बात करोगे तो हो सकता है आपको सच बताए या ना बताए, बट उन्होंने शायद रिविजन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक टीचर से पढ़ा, लाइक परसेंटेज पढ़ा, आज पढ़ा, ठीक है। अब 2-3 महीने बाद वापस आए कि यार परसेंटेज पढ़े 2-3 महीने हो गए, मतलब भूल गया। फिर दूसरे टीचर से पढ़ा, इसी तरीके से तीसरे से पढ़ा, तो इस तरीके से उनके डेली 12-12 घंटे वो पढ़ रहे हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा और नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पहली चीज़ तो ये यहाँ पे इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करके कभी मत रखना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो दूसरी चीज़ आपको कभी कभी क्या लगेगा कि यार फैमिली प्रॉब्लम्स लगेगी, ऐसा लगेगा यार फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या मतलब पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रगल का, क्या कहते हैं स्ट्रगल हो रहा है मेरा, तो और 2-3 महीने की तैयारी होती नहीं है, मुझे लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे को ये प्रेशर है वो प्रेशर है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है। भाई इन सब से दूर रहो, है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो ये मान के चलो 8 महीने तक आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, 8-12 महीने तक, तभी जाके सिलेक्शन होगा। 8-12 महीने अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन भाई नहीं होगा, आज के टाइम में ऐसा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। और वैसा भी देखो 8-12 महीने एक एवरेज टाइम है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है। अब आपको चाहिए 2-3 महीने में सिलेक्शन, तो वो यार नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो भी आपका 2-3 महीने बाद एग्जाम आ रहा है उसको टारगेट करके कभी मत पढ़ना, क्योंकि उसकी वजह से आप जो सिलेबस कर रहे होंगे ना कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाओगे। फिर आप पढ़ोगे छोटा छोटा, कहीं से क्रैश कोर्स देखोगे, कहीं से कुछ देखोगे, फिर 2-3 महीने बाद सोचोगे यार अब मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो ये गलती मत करना। जो भी आपका, जैसे आपने मान लो आज के डेट में मैं कहता हूँ आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो बस ये टारगेट करके चलो कि 8-12 महीने बाद जो नौकरी आएगी, जो वैकेंसीज आएगी, उसमें मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज देखो, लाइब्रेरी में जाऊं या घर पे पढूं, तो अगर घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपको लगता है डिस्टरबेंस होगी, कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी कोई बच्चा है घर में वो परेशान कर देता है, लाइक डिस्टरबेंस होती है थोड़ी बहुत जो भी है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो आप घर पे रह लो। चौथी चीज, ऑफलाइन कोचिंग जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि टाइम है अभी, तो ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात करूं तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, एक तो होता है ग्रेजुएट हो चुके हो, और एक आप अभी क्या हो, कॉलेज में हो, ठीक है। तो कॉलेज में हो तो आप जरूर जा सकते हो ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है। क्योंकि आप कॉलेज में हो अभी, आपका मन बहलेगा इधर उधर, आप कंटिन्यूसली हो सकता है, क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं होता तो पढ़ाई नहीं होती, आपको लगेगा यार अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ क्या ये, ठीक है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो ताकि रेगुलर आपकी स्टडी हो। बट अगर ग्रेजुएट हो और आपको चाहिए 8-12 महीने बाद जॉब, तो 8-12 महीने बाद जॉब आपको नहीं मिलेगी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ सिलेबस होने में 8 महीने लग जाएंगे यार। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको चाहिए 1 साल के अंदर अंदर नौकरी, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मिल जाएगी, पेड कोर्सेस मिल जाएंगे जिनके बारे में मैंने बताया है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि आपके पास 2-3 साल है तो आप जरूर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बट अगर ये है ना कि 1 साल में जॉब चाहिए तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। और आपके डाउट आते हैं, मैं और भी जैसे डाउट क्या आता है मेरे पास, एक डाउट आता है कि मॉक टेस्ट स्कोर नहीं बढ़ रहा,
तो मैंने आपको जैसा बताया कि मॉक टेस्ट स्कोर जो है डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रह रही है, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, आपने नोट सही से बनाए कि नहीं बनाए, आप जो है रिवाइजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर इन चीज़ों को तीनों को अच्छा रखोगे तो आपका अल्टीमेटली मॉक स्कोर भी अच्छा रहेगा। अगर इन चीज़ों को अच्छा करने के बाद भी आपका मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा तो फिर उसके लिए वो ये वीडियो मैंने बनाया कि भाई अगर ये चीज़ें अच्छी चल रही है फिर मॉक टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, फिर ये वीडियो देखना। तो ये आपका मॉक को लेकर मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। छठवीं, देखो होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, फ़ोन है आपके पास, व्हाट्सअप है, फ़ोन में कई सारे ऐप्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो देखो जब भी तैयारी कर रहे हो ना तो ठीक है, जैसे आप मान लो मैंने आपको कहा कि आपको जीके पढ़ना है 2 से 3 घंटे, तो आप जब जीके पढ़ रहे हो ना ठीक है, फोन को साइलेंट करके साइड में रख दो, फिर जब आप ब्रेक लेते हो 2 घंटा बाद, 2 घंटा पढ़ लिया ब्रेक लेना है मुझे, है ना, तो ब्रेक ले रहे हो तो उसमें आप देख लो अपने फोन को, बट उसने टाइम तक आपको फोन को साइलेंट ही रखना चाहिए। अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो, 1 साल में सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पर ध्यान देना कि डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अपने फ्रेंड हो या आपके कोई भी महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो, उसको भी थोड़ा मतलब अगर पढ़ने वाला है तो आपको हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे साइड बाय साइड, बट ठीक है इतना उसको डिस्ट्रैक्शंस का रीजन मत बना लेना। ऐसा ना हो कि आप घंटों वहीं वेस्ट कर रहे हो, ठीक है आप एक टाइम लिमिट में बात करो, इट्स गुड, तो आपको मॉरल हेल्प भी मिलेगी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शंस को कभी हावी मत होने देना, अपने सपनों को साकार करना है ना तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अंत में आपको ये कहूँगा ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, एंड मेरा आपको ये एक सजेशन ये रहेगा लास्ट में कि देखो भाई सिलेक्शन है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, सिलेक्शन की कीमत समझना, ऐसे हल्के में मत लेना यार सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं ऐसे मतलब समझना। अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी मेहनत को एक रूप देने के लिए, अपने फैमिली की जनरेशन का भविष्य बदलने के लिए आपको नौकरी अगर लगनी है ना भाई अच्छे से मेहनत करो, 8-12 महीने मेहनत करो, इस तरीके से मेहनत करो जो मैंने बताई है, भटकना मत। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे वो, जब तक आपका मतलब ज्वाइनिंग होगा तब तक आपको टेलीग्राम चैनल से हेल्प मिलेगा, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना।